चलिए तो बात करते हैं आज के क्लास की। जैसा कि आपको पता है कि मैं एबी सर करिज्मेटिव इंग्लिश इंस्टीट्यूट से, तो आज का क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट है और माफी चाहूंगा, दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी चूंकि कुछ रिकॉर्डिंग को लेके इशू हो गया था, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में यू नो प्रॉब्लम आ गई थी, बट कोई नहीं, अब शुरू कर रहा हूँ क्लास आज से। तो आज जो है सो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हम लोग को समझना है वो है हमारा टेंस, फॉर्मेशन ऑफ टेंस। तो सर, फॉर्मेशन ऑफ टेंस सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ टेंस को जानने से पहले कुछ चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है। वो ये है कि टेंस के लिए सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था कि सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, और सेंटेंस का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर आप लोग को याद होगा, अदर वर्ड में दो चीज मैंने सिखाया था, एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट और एक हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट जो होता है वो दुनिया का कोई भी नाउन होता है, और याद रखिएगा नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बॉय है, एस लगा दीजिएगा तो बॉयज बन जाएगा। रही बात ऑब्जेक्ट की, तो जब सब्जेक्ट वर्ब काम करता है और असर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, असर नहीं पड़ता है तो कॉम्प्लीमेंट पड़ता है। तो वर्ब का टेंस में एक बहुत बड़ा भूमिका है, बल्कि ये कहूं कि टेंस में वर्ब की ही भूमिका होती है, और इसी चीज को समझना है हमें। इसलिए आज मैं आपको वर्ब का पहले प्रकार पढ़ाऊंगा और तब मैं आपको अगले क्लास में टेंस पे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम बढ़ेगा वो होगा वर्ब फॉर्मेशन, वर्ब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और वर्ब जो है वो किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं दो मिनट के लिए, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं वर्ब। तो वर्ब के जो होते हैं ना, मेन फॉर्म जो होते हैं, है ना, जो मेन फॉर्म्स होते हैं, मेन फॉर्म्स जो होते हैं उसमें पांच रूप इसका आता है। तो हम लिखेंगे There are five basic main verb, जिसमें आता है V1, V2, V3, V4 और V5। तो ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल verb जो होते हैं बाबू, जो ओरिजिनल verb होते हैं ना, वो ये तीन ही होते हैं, क्योंकि दुनिया में जब V4 का मतलब होता है V1 plus ing, ठीक, और इसका मतलब होता है V1 plus SES या IES, यानी आप किसी भी वर्ब को V4 और V5 बनाने में मतलब सक्षम है, यानी ये जो है जबरदस्ती बनता है, ये जो है जबरदस्ती का बनाया गया है, और ये जो है ये ongoing activities को दिखाता है, जैसे रहा है, रही है। तो याद रखिएगा कि इसमें motion पैदा ले लेता है, यानी जैसे ही आप किसी भी verb में ing लगाएगा उसमें गति आ जाएगा, ठीक है, और s या es या is लगा के v5 बना सकते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, ध्यान देने वाली बात है, कि जो v2 होता है वो ऑलवेज पास्ट होता है, और v3 v4 v5 के साथ क्या है, जिसमें v1 जो है और v5 जो है ये हमेशा प्रेजेंट में रहता है, v1 भी हमेशा प्रेजेंट में रहता है। यानी याद रखिएगा, इस चीज पे आपको मैं बता देता हूं, यहां ध्यान रखिएगा, ये जो आपका V1 है और ये जो आपका V5 है, ये हमेशा आपका प्रेजेंट में रहने वाला है। दूसरा ले लेते हैं, जो आपका V2 है ये हमेशा पास्ट में रहने वाला है, ठीक है। यानी याद रखिएगा, दुनिया में जो भी आपका ये जो V3 है और ये जो V4 है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बदलता रहता है। V3 और V4 हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट भी बन सकता है, पास्ट भी बन सकता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाने की जरूरत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखिए।